वेलकम टू ज्ञान एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में 7.1 के कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे, उससे जुड़े हुए कुछ वर्किंग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग आज के इस वीडियो में, पिछले वीडियो में जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे उसको डिस्कस करेंगे। फार्मूला था आपका डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र क्या था आपका। जैसे मान लीजिए कोई रेखा है, लाइन दिया हुआ, ठीक है, इसका पी क्यू नाम दिया हुआ, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ था आपको x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ था x2, y2, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या बोला था, इसका पी क्यू का दूरी निकालना है। तो पी क्यू बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, इसमें क्या था, x नियामकों में अंतर, तो x2 माइनस क्या हो जाएगा, x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही था आपका डिस्टेंस फार्मूला। उसके बाद दूसरा फार्मूला था आपका मूल बिंदु से, ओरिजिन से था, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0, 0 था, इसलिए इसका फार्मूला डायरेक्ट हो गया था। क्या था आपका, डायरेक्ट OP, या फिर मान लीजिए कोई बिंदु है ओरिजिन से, यहाँ से उसका यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ P, इसका कोऑर्डिनेट XY दिया हुआ था, ये ओरिजिन है आपका, इसका कोऑर्डिनेट 0, 0, ये आपका O हो गया, ठीक है। अब हमको निकालना है OP, तो OP बराबर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, x² प्लस y² हो जाएगा। ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, ठीक है। और हम लोग कुछ देखे थे, जैसे मान लीजिए आपका एक क्या था, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। तो आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है, x का मान भी प्लस और y का मान भी क्या होता है, प्लस होता है। सेकेंड कोऑर्डिनेट में x का मान क्या माइनस और y का मान क्या होता है, प्लस होता है। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होगा, दोनों माइनस हो जाएगा, x भी माइनस y भी माइनस हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है, x प्लस और y क्या होता है, माइनस होता है। तो इसको याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ -4, -5 दिया हुआ, तो किस कोऑर्डिनेट का आपका है, किस कोऑर्डिनेट में लाइक करेगा ये पॉइंट, ठीक है। तो आपको x का मान क्या है, माइनस, और y का मान क्या है, पॉजिटिव है, तो किस कोऑर्डिनेट में चल जाएगा आपका, सेकेंड कोऑर्डिनेट में चल जाएगा, क्योंकि x का मान यहाँ पे माइनस में और y का मान क्या है, प्लस, आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट में। इसी का जस्ट उल्टा है, आपका प्लस अगर x वाला प्लस y वाला माइनस हो गया तो किस कोऑर्डिनेट में चल जाएगा आपका, y देखिए यहाँ पे माइनस है तो किस कोऑर्डिनेट में चल जाएगा आपका, फोर्थ कोऑर्डिनेट में चल जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट, ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में चला गया, ठीक, इसको याद रखिएगा। तो सबसे पहले आज का वर्किंग देखते हैं, वर्किंग रूल क्या है, इसमें 10 रूल है जिसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 के लिए, ठीक है। आज का पहला रूल है, क्या बोल रहा है, ABC तीन बिंदुओं को संरेखीय होने के लिए सबसे बड़ा भाग अन्य दो भागों के योग के बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई रेखा है, इसमें तीन बिंदु दिया हुआ, ABC दिया हुआ, ठीक है। आपको बोल रहा है कि ये तीनों बिंदु संरेखीय होगा, कब होगा, जब सबसे बड़ा भाग मतलब AC जो है AC के बराबर होना चाहिए, AB प्लस BC। जब ये तीनों बिंदु संरेख तब होगा जब AC बराबर क्या हो जाए, AC के बराबर हो जाए AB प्लस BC। ये दोनों आपस में अगर जोड़ देंगे तब, अगर इसके बराबर हो जाए ये दोनों भाग तभी बराबर होगा, AC के बराबर हो जाए अगर दोनों भाग AB प्लस BC, तब क्या होगा, तीनों बिंदु आपस में क्या होगा, संरेख होगा। अगर बराबर नहीं होगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है, ये त्रिभुज बन जाएगा, तो इसका कुछ क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर संरेख है तो इसका क्षेत्रफल कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। संरेख होने के लिए कंडीशन क्या है, सबसे बड़ी भुजा मतलब सबसे बड़ी वाला भाग कौन है, AC हो गया सबसे बड़ा भाग, और अन्य दो भाग कौन हो गया, AB और BC हो गया। तो सबसे बड़ी वाले भाग के बराबर होना चाहिए अन्य दो भाग होना चाहिए, ठीक है, मतलब AC बराबर होना चाहिए AB प्लस BC। यहाँ से यही हो गया आपका AC और AB, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक BC, मतलब AC जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, दोनों टुकड़ों के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा, यहाँ पे त्रिभुज छूट गया है, समबाहु त्रिभुज होगा यदि और केवल यदि इसकी सभी भुजाएं बराबर हो। समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो, ठीक है। इसमें कंडीशन है, आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ, तीनों भुजा निकालना होगा, तीनों भुजा अगर बराबर हो गया तब किसे इसको क्या कहेंगे, इसको हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे, मतलब AB बराबर होना चाहिए BC और BC और क्या हो गया लास्ट में, तीनों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होना चाहिए। कोई अगर त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। अगला है, एक
त्रिभुज, यहाँ पे इसको शॉर्ट में लिखे हैं त्रिभुज को, एक त्रिभुज समद्विबाहु होगा यदि और केवल यदि इसकी दो भुजाएं समान हो। ठीक है, समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा क्या आपस में बराबर हो। ठीक है, तो मान लीजिए आपका त्रिभुज ए बी सी, अगर ई पार्ट दोनों बराबर हो गया तो इसको क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। ई तीसरा पार्ट बराबर नहीं होना चाहिए, तीसरा पार्ट बराबर हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो इसमें दो पार्ट बराबर होना चाहिए, दो भुजा। ठीक है, तो ए बी बराबर हो जाना चाहिए, बी सी नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, सी ए। ठीक है, ये दो पार्ट बराबर होना चाहिए, तीसरा पार्ट बराबर नहीं होना चाहिए, तब इसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो। ठीक है, अगला पॉइंट है चार नंबर, क्या बोल रहा है, एक चतुर्भुज आयत होगा। ठीक है, यदि और केवल यदि इसकी सम्मुख भुजाएं समान हो और इसके विकर्ण भी समान हो। क्या बोल रहा है, चतुर्भुज किसे कहेंगे, वैसा क्षेत्र जिस चार भुजाओं से घिरा हुआ हो। ठीक है, दो भुजा हो गया, तीन भुजा, उसके बाद चार भुजा। ठीक है, चतुर्भुज होने के लिए क्या बोल रहा है, आमने सामने की, ई भुजा इस भुजा के बराबर होना चाहिए, ई भुजा इस भुजा के बराबर होना चाहिए, तीन इधर डॉट इधर भी तीन डॉट, ई आपस में बराबर, इधर दो तो इधर दो, ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, सम्मुख भुजा हो गया इसका, और साथ में ई विकर्ण भी बराबर होना चाहिए, ये दोनों विकर्ण हो गया। ठीक है, यहाँ से इसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम्मुख भुजा बराबर होना चाहिए, तो ए बी के बराबर कौन होना चाहिए, ए बी का सम्मुख भुजा कौन होगा, ए बी का सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा आपका, सी डी हो जाएगा। उसी तरह से अब दो सम्मुख, ये तो हो गया आपका, और दो भुजा सम्मुख भुजा बचा हुआ, बी सी के बराबर कौन होना चाहिए, बी सी बराबर हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा, टी ए डी ए हो जाएगा। ठीक है, सम्मुख भुजा आपस में बराबर हो गया, उसके बाद क्या बोल रहा है, विकर्ण भी बराबर होना चाहिए, तो विकर्ण मेरा ए सी एक विकर्ण हो गया, दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा, डी डी हो जाएगा, ये दोनों विकर्ण बराबर होना चाहिए, साथ में सम्मुख भुजा बराबर होना चाहिए, तभी इसको क्या कहेंगे, तभी एक चतुर्भुज क्या हो जाएगा आपका, आयत होगा। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज, इस शॉर्ट में लिखे इसको चतुर्भुज को। ठीक है, एक चतुर्भुज वर्ग होगा। ठीक है, यदि और केवल यदि इसकी चारों भुजाएं समान हो और इसका विकर्ण भी समान हो। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक चतुर्भुज वर्ग होगा, वर्ग होने के लिए क्या, उसका चारों भुजाएं बराबर होना चाहिए। ठीक है, वर्ग में क्या होता है, उसका चारों भुजाएं क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए चारों भुजा क्या हो गया, इधर दो इधर दो इधर दो, तो मतलब चारों भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, उसका विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। क्या हो गया आपका, विकर्ण हो गया। तो वर्ग होने के लिए कोई चतुर्भुज वर्ग होगा तभी होगा जब उसका चारों भुजाएं क्या बराबर हो। तो ए बी बराबर हो गया बी सी, बी सी बराबर क्या हो गया, सी डी, और लास्ट में डी ए। ये चारों भुजा क्या होगा, आपस में अगर बराबर हो गया तो इसको क्या कहेंगे, वर्ग होगा, साथ में क्या होना चाहिए, विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। तो विकर्ण क्या हो गया आपका, ए सी और बी डी, चारों भुजा बराबर हो, साथ में क्या हो आपका, विकर्ण भी बराबर हो, तभी किसी चतुर्भुज को क्या कहेंगे हम लोग, वर्ग कहेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज सम चतुर्भुज होगा यदि और केवल यदि इसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो। मतलब एक चतुर्भुज है जो सम चतुर्भुज होगा, ठीक है, मतलब उसका चारों भुजाएं क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। वर्ग यहाँ पे क्या बोल रहा है, विकर्ण का बात नहीं बोल रहा है, चारों भुजाएं अगर आपस में बराबर हो गया, अगर विकर्ण बराबर नहीं हुआ तो इसको विकर्ण का बात नहीं है, मतलब चारों भुजा अगर बराबर हो गया तो इसको क्या कहेंगे, सम चतुर्भुज कहेंगे। सम मतलब बराबर, मतलब इसका चारों भुजा अगर आपस में बराबर हो गया, ए बी बराबर क्या हो गया, बी सी, बी सी बराबर हो गया, सी डी, सी डी बराबर हो गया, डी ए, अगर चारों भुजा आपस में किसी चतुर्भुज का अगर चारों भुजा बराबर हो गया तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, सम चतुर्भुज कहेंगे। यहाँ पे विकर्ण का चर्चा नहीं है, अगर विकर्ण यहाँ पे बराबर नहीं होगा, सम चतुर्भुज में क्या होगा, विकर्ण बराबर नहीं होगा और चारों भुजा क्या होगा, आपस में बराबर हो गया। ठीक है, और अगर विकर्ण बराबर हो गया, चारों भुजा बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा आपका, वर्ग बन जाएगा, और चारों भुजा बराबर हो गया और विकर्ण बराबर नहीं हुआ तो क्या बन जाएगा आपका, सम चतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा यदि और केवल यदि इसकी सम्मुख भुजाएं क्या हो, समान हो। समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, उसका आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, आमने सामने की। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गया, इस भुजा के क्या हो गया, बराबर हो गया। तब क्या होगा, आमने सामने की भुजा अगर बराबर हो गया, और विकर्ण इसमें क्या होगा, बराबर नहीं होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, क्या होगा, विकर्ण समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होगा, सम्मुख भुजा ही सिर्फ बराबर हो गया। अगर विकर्ण भी बराबर हो गया और सम्मुख भुजा भी बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, फिर आयत बन जाएगा। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज होने के लिए क्या होगा, उसका सम्मुख भुजा बराबर होना चाहिए और सिर्फ सम्मुख भुजा ही बराबर होना चाहिए। ठीक है, उसका सिर्फ सम्मुख भुजा, इसका ए बी का सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, मेरा सी डी हो गया। ठीक है, उसके बाद बी सी का सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, बी सी का सम्मुख भुजा
ए डी या डी ए बोलिए, चलिए ए डी लिखते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसका सम्मुख भुजा सिर्फ बराबर होना चाहिए, विकर्ण बराबर नहीं होना चाहिए। समांतर चतुर्भुज होने के लिए सिर्फ सम्मुख भुजा बराबर होना चाहिए, ठीक है। किसी चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज तभी कहेंगे जब उसका सम्मुख भुजा क्या हो, बराबर हो, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए क्या कर रहा है, 9 नंबर, एक आयत समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण क्या है, समान है। एक समांतर चतुर्भुज, एक आयत है, मान लीजिए आयत है, ठीक है। आयत क्या होगा आपका, 90 डिग्री पे होगा, ठीक है, ये आयत है। आयत में क्या होता है, उसका सम्मुख भुजा क्या होता है, बराबर होता है। उसमें साथ में क्या होता है, उसका विकर्ण भी बराबर होता है। तो एक आयत को, एक आयत समांतर चतुर्भुज है, साथ में क्या, उसका विकर्ण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो वही बोल रहा है, एक आयत समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण क्या है, समान है, ठीक है। एक आयत को समांतर चतुर्भुज कहेंगे, कह सकते हैं, ठीक है, मगर उसका क्या होगा, विकर्ण क्या होगा, आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। इसका सम्मुख भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा, साथ में क्या हो जाएगा, विकर्ण भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, एक आयत समांतर चतुर्भुज होगा जिसके विकर्ण क्या होगा, आपका बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सम्मुख भुजा क्या हो गया, बीसी हो गया, बीसी के बराबर क्या हो गया, सी डी, उसके बाद बीसी के बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए डी, उसके बाद विकर्ण क्या होगा, बराबर होगा, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। यहाँ पे विकर्ण का ही चर्चा है, मतलब एक आयत समांतर चतुर्भुज होगा जिसके विकर्ण क्या होगा, समान होगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, ये जो लास्ट पॉइंट है, ठीक है, एक वर्ग समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण समान है, ठीक है। एक वर्ग, वर्ग क्या है, समांतर चतुर्भुज है, सॉरी समचतुर्भुज है, एक वर्ग समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में जिसका क्या होता है, सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है, और वर्ग में भी क्या होता है, सभी भुजा आपस में बराबर होता है। तो एक वर्ग को समचतुर्भुज कहेंगे, होगा, ठीक है, होगा, मगर उसका क्या होगा, विकर्ण क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो विकर्ण क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे चार भुजा तो बराबर हो गया, उसके साथ में क्या हो जाएगा, एक वर्ग समांतर चतुर्भुज, सॉरी समचतुर्भुज होगा, मगर उसका क्या होगा, विकर्ण क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ए सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, बी डी हो जाएगा, ठीक। तो चलिए एक्सरसाइज 7 पर स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन देखेंगे उसका, उसके बाद इस वीडियो कहीं पर खत्म करेंगे। गाइज आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा तबीयत खराब है, इसलिए आवाज़ थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। आप लोग क्या कह रहा है, बिंदुओं के, क्वेश्चन नंबर 1 है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 नंबर का, इसमें आपको युग्म बना बना के दिया हुआ, दो दो पॉइंट करके, ठीक है। इसका बीच का दूरी निकालना है, डिस्टेंस फार्मूला लगा के, दूरी सूत्र लगा के। तो 1 नंबर का, 1 नंबर हम लोग यहाँ से निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे। तो लिख लेते हैं, माना A1 मतलब A स्टैंड फॉर बराबर क्या मान लेते हैं, 2, 3। उसके बाद B स्टैंड फॉर बराबर मान लेते हैं 4, 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोई रेखा है मान लीजिए, ठीक है, कोई दो बिंदुओं का युग्म, इसको मान लेते हैं A, इसको B, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ आपको 2, 3, और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ 4, 1 दिया हुआ, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, x2, y2, और ये आपका क्या हो जाएगा, x1, y1 हो जाएगा, ठीक है। तब हमको क्या बोल रहा है, ये दोनों का बीच का दूरी निकालना है, तो दूरी सूत्र से दूरी सूत्र लगाएंगे, तो दूरी सूत्र बराबर क्या निकालना है हमको, ए बी निकालना। तो ए बी बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे, दूरी सूत्र बराबर x नियामकों में अंतर। तो x नियामक, तो यहाँ पे x2 माइनस क्या हो जाएगा x1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y नियामकों में अंतर, तो y2 माइनस क्या हो जाएगा y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद पुट करेंगे तो y1 का मान, यहाँ पे देखिए y2 का मान कितना है, यहाँ पे देखिए y2 का मान कितना है 4, तो यहाँ पे 4। उसके बाद y1 का मान देखिए, यहाँ पे y1 का मान कितना है 2, उसके बाद क्या होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो यहाँ पे देखिए y2 का मान कितना है 1 है, y2 का मान 1। उसके बाद y1 का मान कितना है, यहाँ पे देखिए 3, इसका क्या होल स्क्वायर है। अब अंदर में जो जुटेगा उसको जोड़ेंगे, जो घटेगा उसको घटा लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस है, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो घट रहा है, तो मतलब 4 में से 2 गया, तो क्या 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। उसके बाद अगर देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, अलग अलग चिन्ह पर घटाया जाता है, तो घटाइए 3 में से अगर 1 गया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और बड़ा संख्या का चिन्ह क्या, माइनस, इसलिए हम यहाँ पे माइनस दे दिए। उसके बाद होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए चार, सॉरी दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, चार। उसके बाद यहाँ पे माइनस दो का स्क्वायर, मतलब माइनस दो का स्क्वायर का मतलब माइनस दो गुना दो, दो बार करना होगा, तो माइनस गुना माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, दो दुगुनी चार हो जाएगा। तो माइनस दो का स्क्वायर कितना होता है, चार होता है। अब इसको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, चार चार आठ हो जाएगा। तो आठ का वर्गमूल क्या हो जाएगा, आठ को हम लोग लिख सकते हैं दो गुना दो गुना दो, तो गुना कीजिए दो दुगुनी चार, चार दुगुनी आठ पुट जाएगा। अब वर्गमूल में क्या करते हैं, दो दो का जोड़ा लगाते हैं, यहाँ पे एक जोड़ा मिल गया, तो इस जोड़ा में से एक बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे तो दो एक बाहर निकल जाएगा, इसका जोड़ा नहीं निकल गया, तो ये क्या हो गया, रूटे में रह जाएगा, तो यहीं पे इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, दो नंबर, दो नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए माइनस सेवन कोमा फाइव उसके बाद दिया हुआ है, अगला माइनस वन कोमा थ्री। ठीक है, तो इसको भी क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना ए बराबर, या चलिए इसको पी मान लेते हैं, पी स्टेन फोर बराबर दिया हुआ है माइनस फाइव कोमा सेवन, क्यू स्टेन फोर बराबर कितना दिया हुआ, माइनस वन कोमा थ्री। ठीक है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, फिगर बना लेते हैं, इसको मान लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं क्यू मान लेते हैं। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ माइनस फाइव कोमा सेवन, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ माइनस वन कोमा थ्री दिया हुआ। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, एक्स वन कोमा वाई वन, इसको मान लेते हैं एक्स टू कोमा वाई टू। ठीक है, अब हमको क्या बोल रहा है, पी क्यू का बीच का दूरी निकालना है, तो दूरी सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, दूरी सूत्र से पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एक्स नियमों में अंतर, मतलब एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई नियमों को अंतर, मतलब वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब x2 का मान कितना है, x2 का मान लिखिए यहाँ पे, x2 का मान कितना है, यहाँ पे x2 का मान है माइनस वन, उसके बाद फॉर्मूला का माइनस, उसके बाद x1 का मान यहाँ पे देखिए माइनस फाइव, तो क्या हो जाएगा, डबल चिन्ह आ गया, तो क्या करेंगे, एक को ब्रैकेट से घेर लेंगे, तो मझली ब्रैकेट आ गए, तो सॉरी यहाँ पे छोटी ब्रैकेट आ गए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मझली ब्रैकेट लगा देंगे, उसके बाद होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस है तो प्लस दे दिए, उसके बाद वाई टू माइनस वाई वन है, तो वाई टू का मान यहाँ पे देखिए कितना है, थ्री, तो थ्री माइनस, उसके बाद वाई वन का मान यहाँ पे देखो, वाई वन का मान कितना है, सेवन, उसके बाद होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे डबल चिन्ह है, यहाँ पे मझली ब्रैकेट है, उसके बाद माइनस वन, उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, उसके बाद क्या हो जाएगा, पांच, उसके बाद इसका क्या होल स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे देखिए अलग अलग चिन्ह है, चार, चार माइनस कितना है, सेवन है, तो अलग अलग चिन्ह होने पर घटाया जाता है, सात में से अगर तीन गया तो कितना बचेगा, चार बचेगा, बड़ा सिंह चिन्ह क्या माइनस है तो माइनस, उसके बाद होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अगला स्टेप देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, अलग अलग चिन्ह होने पर क्या करेंगे, घटाएंगे, तो पांच में से एक गया क्या हो जाएगा, चार, चार का क्या हो जाएगा, प्लस, बड़ा सिंह चिन्ह क्या प्लस है तो प्लस, उसके बाद होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, माइनस चार का होल स्क्वायर, माइनस चार का होल स्क्वायर का मतलब माइनस चार गुना चार दो बार, तो माइनस गुना माइनस क्या हो गया, प्लस, चार गुना चार सोलह हो गया। ठीक है, अब अगला स्टेप देखिए, यहाँ पे देखिए चार का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सोलह, और इधर सोलह, अब सोलह सोलह को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, थर्टी टू हो जाएगा। अब थर्टी टू को हम तोड़ सकते हैं कितना बार में, दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना दो, पांच बार में टूटेगा। ठीक है, दो दुगुनी चार, चौदह दुनी आठ, आठ दुनी सोलह, सोलह दुनी बत्तीस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे, तो यहाँ पे एक जोड़ा मिल गया, उसके बाद यहाँ पे एक जोड़ा मिल गया, अब इस दो का जोड़ा नहीं मिला, तो जितना जिसका जिसका जोड़ा मिल गया वहां से क्या बाहर निकल जाएगा, तो इसका एक जोड़ा निकला मिला, तो क्या करेंगे, यहाँ से एक दो बाहर निकल जाएगा, यहाँ से एक जोड़ा मिला, तो यहाँ से एक दो बाहर निकल जाएगा, इसका जोड़ा नहीं मिला, तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर ही रह जाएगा, तब इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, दो दुगुनी चार, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चार रूट, चार रूट टू, चार रूट टू हो जाएगा। ठीक है, इसका यहीं पे आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक नंबर का ही, तीन नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, एक नंबर का तीन नंबर में फर्स्ट क्वाड्रेंट जो दिया हुआ है ए कोमा बी, अगला क्वाड्रेंट है माइनस ए कोमा बी दिया हुआ, तो इसको भी क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं, माना ए स्टैंड फोर बराबर क्या मान लेते हैं, ए कोमा बी मान लिए, उसके बाद बी स्टैंड फोर माइनस ए कोमा माइनस बी मान लेते हैं, इसका भी फिगर बना लेते हैं थोड़ा सा, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ ए कोमा बी, इसका ए माइनस बी दिया हुआ। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग एक्स वन कोमा वाई वन, इसको मान लेते हैं एक्स टू कोमा वाई टू। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, ए और बी के बीच का दूरी निकालना है, तो मतलब दूरी सूत्र यहाँ पे लगाएंगे, तो दूरी
सूत्र से तो ये भी निकालना, तो ए बी और क्या होता है एक्स नियामकों में अंतर, एक्स नियामकों में अंतर का होल स्क्वायर, तो वाइक्स एक्स वन माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स टू का मान देखिए कितना है, एक्स टू का मान यहाँ पे देखिए माइनस ए माइनस फॉर्मूला का माइनस, उसके बाद एक्स वन का मान देखिए, एक्स वन का मान कितना है ए, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस एक्स सॉरी वाई टू का मान कितना है, वाई टू का मान यहाँ पे देखिए माइनस बी, उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला का माइनस, तो माइनस वाई वन का मान कितना है यहाँ पे देखिए, वाई वन का मान कितना है बी दिया हुआ, इसका होल स्क्वायर है तो क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए रूट के अंदर में देखिए यहाँ पे माइनस ए माइनस ए तो एक ही जात का है, तो माइनस माइनस का समान चिन्ह, समान चिन्ह होने पर जोड़ा जाएगा, तो यहाँ पे कितना वन ए यहाँ पे वन ए, तो क्या हो जाएगा माइनस टू ए, बड़ा संख्या चिन्ह के दोनों सेम ही, तो क्या हो जाएगा माइनस टू ए हो जाएगा। अब यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस, अब यहाँ पे देखिए समान चिन्ह है, समान चिन्ह होने पर जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे वन बी यहाँ पे वन बी, तो कितना हो जाएगा टू बी, तो माइनस टू बी हो गया, ठीक है। अब माइनस टू ए का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस टू ए का होल स्क्वायर का मतलब माइनस टू ए गुना माइनस टू ए, दो बार करना है तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दो दुगुनी चार ए गुना ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब माइनस टू ए का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है फोर ए का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से माइनस टू ए बी का होल स्क्वायर मतलब फोर बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए चार यहाँ पे भी चार है, तो क्या करेंगे चार चार क्या करेंगे हम यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं, तो चार कॉमन हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपका बी स्क्वायर बचेगा। अब चार का वर्गमूल कितना हो जाएगा दो हो जाएगा, तो दो क्या हो जाएगा आपका बाहर आ जाएगा। अब रूट के अंदर क्या बच गया, तो ए स्क्वायर प्लस क्या बच जाएगा आपका बी स्क्वायर हो गया, तो यहीं पे क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, अगर ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।